बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। चेहरे पर मासूमियत और हाथ उठाकर अपनी बात को लोगों के सामने रखने वाली छोटी सी बच्ची हर्षाली मल्होत्रा आज अपना 10वां जन्मदिन मना रही है। तो चलिए आज आपको हर्षाली से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। कहा जाता है कि बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग से पहले जब हर्षाली की सलमान खान से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने दबंग खान से एक सवाल पूछा था। हर्षाली ने सलमान खान से पूछा था कि क्या आप मुझे सुपरस्टार बना देंगे। उस वक्त सलमान को लगा था कि हर्षाली के पेरेंट्स ने उसे यह सिखाया है, लेकिन सलमान को बाद में इस बात का एहसास हुआ कि ये शब्द खुद हर्षाली के ही थे। बजरंगी भाईजान के सेट पर हर्षाली खाली वक्त में सलमान खान और कबीर खान के फोन में बारबी वाले गेम्स खेला करती थी। वहीं सलमान खान के साथ टेबल टेनिस भी खेलती थी। बच्चों का दिल कोमल होता है। कहा जाता है कि बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग के दौरान हर्षाली अक्सर रो जाती थी। ऐसा तब होता था जब वो सलमान खान को फाइटिंग सीन या फिर इमोशनल सीन करते हुए देखती थी। एक इंटरव्यू के दौरान हर्षाली की माँ कहती है कि उनकी बेटी पहले सलमान खान से बात करने में काफी शर्माती थी। कुछ वक्त बाद वह सलमान के साथ घुल मिल गयी थी। बजरंगी भाईजान फिल्म से पहले हर्षाली कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी है। हर्षाली पहली बार कबूल गए सीरियल में नजर आई थी। इस सीरियल में हर्षाली ने लीड एक्ट्रेस के बचपन का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान हाई पिच आवाज की वजह से हर्षाली डर जाती थी। ऐसे में कबीर और सलमान इस बात का ध्यान रखते थे कि उस दौरान हर्षाली किसी से बात करने में बिजी रहे। जब भी हर्षाली को कोई सीन समझ नहीं आता तो वे सीधे कबीर खान के पास जाती थी और उनसे सीन के बारे में पूछती थी। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।